हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? तो गाइज, आशा है कि सभी अच्छे होंगे, अपने घर में से खुशहाल होंगे। तो गाइज, आज का व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम कहीं पे जाने वाले हैं। एंड गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने गिव अवे निकाला था, वो उनका सूट भाई पहुंचने ही वाला होगा, मे बी आज या कल में पहुंच जाएगा, तो फिर वो भी दिखाएंगे। उसके बाद मस्त सा गिव अवे लेकर आने वाली हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहेगा, कहीं पे जाना है। तो आज के में नहीं, कल वाले में पक्का पक्का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आप लोगों के लिए गिव अवे लेकर आएंगे, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट भी आए, आगे काम करने में भी आए। आपकी बार कोई 15 दिन का टाइम नहीं रहेगा, आपकी बार ओनली 1 वीक का टाइम रहेगा, और देखते हैं भाई कौन जीतता है कौन नहीं। और अब की बार जो मतलब चीज़ भी रहेगी, वे मतलब बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, ऐसा नहीं है कि सूट सूट रहेगा, तो आपको अच्छा भी लगेगा वो देखने के बाद। और भाई देखो, मेहनत थोड़ी सी मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ी सी मेरे व्लॉग चैनल पर भी थोड़ा सा व्यूज़ आने लग जाए, आप लोग देखने लग जाओ, इंटरेस्ट लेने लग जाओ। तो मैंने सोचा है आज से कि ऐसे ही गिव अवे निकालते रहेंगे, और आप लोगों से जितना हो सकेगा मैं कांटेक्ट में रहने की कोशिश करूंगी, अपनी छोटी से छोटी सुबह की सारे रूटीन बातें सभी शेयर किया करूंगी आप लोगों से। तो गाइस, सुबह सुबह उठने के बाद आज मैंने पहले फ्रेश पिया, पहले थायराइड की गोली ली, उसके बाद फ्रेश वगैरह पी के मैंने की थोड़ी सी एक्सरसाइज, क्योंकि टम्मी इतनी हो गई, टम्मी कमर का कमरा हो रखा गाइस। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैंने थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह लेकर, और अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े लेकर नहाने। तो नहा के पहले करेंगे पूजा। और गैस, आज मम्मी के कल आज नहीं कल मम्मी के घुटनों में लग गए इंजेक्शन, और मम्मी को वही दर्द हो रहा बेचारी को, तो वो लेटी हुई है, आराम कर रही है। तो मम्मी से भी मिलवाएंगे, पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा दर्द था, क्या हुआ क्या नहीं, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। तो गैस, सबसे पहले नहा के पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि ना 8 बज चुके हैं, बजने वाले हैं 8, तो लेट हो जाएंगे फिर, तो 8 बजे तक पूजा हो जाए तो अच्छा रहता है, बट क्या करें, काम वाम में बहुत ही लेट ही हो जाते हैं। तो नहा लेते हैं गैस, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो गैस, मैं आ चुकी हूँ नहा के, और गैस बाहर ना कौवे बोल रहे थे, काओ 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 काओ, मैंने सोचा देखते हैं आज कौन आएगा, और पहले से रीत चलती आ रही थी कि जब कौवे बोलते तो कोई आता है। वैसे मैं पूजा करने जाती थी, लेकिन मुझे लगा आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। तो गाइज, जैसे कि मैं मोनिका के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो गाइज, उनका रिजल्ट आप देख सकते हो, विदाउट फिल्टर है अभी, ये कोई फिल्टर नहीं है, क्योंकि भाई ब्लॉग में तो आपको ही पता कोई फिल्टर लगता नहीं है। और मतलब है ना, मतलब लगाने के बाद जो ग्लो आता है ना, वो दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो बेस स्किन पे ग्लो देखो, बिल्कुल। मैंने काजल वगैरह कुछ नहीं लगाया, ओनली थोड़ी सी लिप शेड लगाई, उनकी ओनली 1 क्रीम जो कि मतलब डे क्रीम है वो लगाई है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है गाइस इसका, ऐसे ग्लो करता है फेस, कुछ भी लगाने। मैं जब अपना कुछ शूट वगैरह करती हूँ तभी मैं फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करती हूँ, अदरवाइज जब से मैंने लिया है ना, ओनली यही लगाती हूँ नॉर्मली। और सर्दी में ऐसा नहीं है कि मॉइस्चराइजर के साथ लगाने की जरूरत है, ड्राई भी नहीं है, बहुत ही अच्छी है क्रीम, तो आप भी ले सकते हो। तो मैं लेट हो रखी हूँ गाइस पूजा करने के लिए, मुझे लगा फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। और इधर मेरी मैं काऊ काऊ कर रही है, और मम्मी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, तो मुझे फटाफट सारा काम फिनिश करना है, और आज हम कहीं जाने भी वाले हैं। बच्चे भी उठ चुके हैं, और इधर हमारी किनू आ चुकी है, और गोली को देखो क्या कर रहा है खाट के नीचे, गोली क्या कर रहा है, इसके साथ सो रहा है। और पर नीता वेट कर रही है, अब बाहर निकल पे ला, दोबारा लड़ दे किसके, हट हट, और देख कितनी मुंडी त्रिया पकड़ रहा है इसने, बरे बरला री अकोती इतनी बुंडित्रिया कोली भर ले इसकी, मनु बुला ले इसने, मनु ना ता भाई, राहुल ने देखो भाई ऑल वाइट, राहुल ने देख कितना सुतरा बन रहा है, इसने देख क्या बुंडी बन रही है, एक मेरे भाई का कदम उठा पर ले गया, या 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 उसको जल्दी कर दे या मार, इसके लिए ले के लौट रहा है, न्यू लौट है, हां सो रहा है इसने लेके, आ जा रे ओए बाली कड़, ये सो गया की ये सो गया की हो अरे सो गया की हो ए मैं थोड़ी देर में उन्हें छोड़ दे करके जा रहा है, ले
बेचारी परेशान होगी, कभी कुकर ऊपर पड़ेगा इसके, देखियो तू दर्द हो रहा उसके, बोले उसको दर्द हो रहा है, देख भाई जान इतने में खुद में बैठा गिरेगा गिरेगा गिरेगा, रुक जा रुक जा रुक जा, पर नीता तो दिन गया भाई, पर नीता का मुंह ना दिख गया, बेचारे को दिख ना रहा, ला दे 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 गोली दे दे, परी को दे दे, परी को दे दे गोला दे दे, ओ भाई लड़ाई हो गई, अरे तू भी मार इसके, ले 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 ले, मैं कुछ नहीं होता, बोली नो छोटी दीदी है ना मारूंगी बहुत, ये मेरे को शिकायत लगा दिया कि तू दे, बेटे तू तो किसी तरह डरा के नहीं दी इसका, अभी मूड नहीं है इसका लड़ाई करने का, जब तो इसको मार देती थी, कल भी तो हो रही थी इनकी लड़ाई, इधर वो खेल का ही है नीचे प्लाट में मुर्गी देख का ही है, ये बेबे कम ना रहा थोड़ा ऊंचा हो रहा है, बहुत लड़ाई मना हो ना तो मना पहनते ना ये कपड़े, इतने तक शिकायत शिकायत लगाओगी, बुनी कम मारती थी गंदा भाई, पुनः ले आ जा लेगा लेगा, हम जूते पैसे को देंगे, मजा तो मार लेगा पुनः दादा, गलेगा चप्पल है वहां पर देखियो, भैया भी दुखी इसकी बहू भी दुखी, कुछ ना ठंडे पानी भी यूज कर लू या ऐसे करके कोई काम कर लू तो भाई, ठंड में ऐसे ही होता है, मेरे कमरे में नहीं है, ताई का कितना बुरा हाल हो रखा है, क्या क्या रहा क्या क्या हुआ, ताई की आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसे मत पूछो यार, ताई रो रही है बेचारी, रुक जा तो मैं करूं, हामी ताई नू मत कर, गिल्ला करके कर, गिल्ला करके कर, रुक जा ना ना गिल्ला ना लगाना, वो डर मत क्यों कर, ना ना जब गिल्ला हो जाओगा अपने आप उतर जाओगा फिर, यो थोड़ी देर काम लगाऊंगी भाई, नहाए बिना नहीं रुक सकती, मेरी माम ने करे आज आज रुक जा, इसने साफ सी कर ले फिर थोड़ा सा, चिपक रहा कुछ चिपक रहा, नू तो चुप क्या करा, कुछ चीज भी वो हो जाओ तो, नू कह रही इसमें क्या बढ़ गया, फुलवा कह रही इसमें क्या घुस गया, फुलवा इसको खोल के देख अंदर घुटने को क्या है इसके अंदर, एक जगह से थोड़ा कट लगा के खोल के देख क्या दिक्कत है, ठीक कर दे, फूल जाती है एलर्जी भी तो है, डॉक्टर ने देखेगा क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, चल नाराज हो दर्द इतना दर्द, हम भी नाती ना पानी गिरते अपने आप फूल के उतर जाता, मैं हो चुकी हूँ रेडी, जैसा कि आपने देखा मैंने पहन लिया पिंक कलर का सूट, और जैसा कि सुबह मैंने आपको बताया था गैस हम कहीं जाने वाले हैं, तो गैस आज मेहमान भी आए थे घर पे, मैंने नहीं दिखा पाई, दोबारा से बुलाएंगे उनको, जहाँ भी हम जा रहे हैं आपको भी दिखाएंगे, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, पहले चलते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है, तो गैस हम आ चुके हैं कुआ पूजन में, मैं आ गया आपको दिखाती हूँ, we
अरे आप लोगों की वजह से तो हम इतनी आगे आए हैं, मानते हो? मैं थक भाई डांस कर करके और अब मेरे गोली की छत खेलने को मन कर रहा है। ये मन की चीज नहीं। तो गाइस काफी दिन बाद आपको व्लॉग में किशु देखने को मिलेगा। मेरे कानों की ओर तोड़ रहा है मेरे बेज छोरी मोरी आई मच की छोरी मोरी बेदी चुई मुई में बेज चुई मुई आई भाई निकल गया बहुत तो बहुत तेज बोल रहा है ये राम बहुत तेज ये राम बोल तो बहुत तेज बोल रहा है रेनू भाभी ना ये जूतियां पहन के आई है। न्यू पहन की थी सही में। हाँ आप ऐसे ही पहन के डांस कर रहा था पूरे रास्ते। ओह माय गॉड मैं जरा इनको सो पाई होगी करके लाती हूँ। चलो कर लाओ मेरी जान का टुकड़ा इतना छांदू है ना इतना छांदू इतनी याद आवे ना कि मैं चल जाऊं मैं तेरा याद आवे ना। आज ये मुझे बच्चा मिला है ये किचका है गाइस। वहाँ से आके गए थे बहुत ही ज्यादा थक और मेरी काजल थक भी नहीं निकली आंखों से। तो गाइस थक के मैं तो काम वाम करके आने के बाद लेट गई। तो गाइस मजा आया पूरा और इतनी सॉरी मजेदार रील शूट हुई है जो कि आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेंगी। तो गाइस करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस मेरे पास आज प्रीति शर्मा का मैसेज आया था कि दीदी मुझे सूट मिल गया और मैं आउट ऑफ टाउन हूँ और मैं कल उसकी मतलब एक दो दिन में आती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ। तो भाई वो मतलब मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई वो वाला मेरा जो गिव अवे था वो मतलब कम्प्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट रखते हैं। तो भाई कल बताती हूँ मैं गिव अवे क्या होगा, इससे जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना आपका तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या गिव अवे है। तो भाई नेक्स्ट व्लॉग जरूर जरूर देखना। तो करते हैं व्लॉग का एंड गाइस।